विदिशा से अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा की प्रेस वार्ता हुई, जहां सूर्य प्रकाश मीणा ने कहा, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, संगठन के लिए काम करूंगा। विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए वो काम करने वाले हैं। शमशाबाद से रुद्र प्रताप सिंह, भक्तपाल सिंह या ज्योति शाह को बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। यानी साफ तौर पर सूर्य प्रकाश मीणा कह चुके हैं कि वो अब काम संगठन के लिए करेंगे, पार्टी के लिए करेंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात वो कह चुके हैं, विधानसभा चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है। सूर्य प्रकाश मीणा प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दे दी है। विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए काम करने की मंशा जताई है। शमशाबाद से रुद्र प्रताप सिंह, भक्तपाल सिंह या ज्योति शाह को बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। संभावित नाम है शमशाबाद सीट से, जिन्हें बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन सूर्य प्रकाश मीणा ने साफ कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जानकारी देंगे विपिन, मेरे सहयोगी। विपिन, क्या कुछ इस तस्वीर में निकल के सामने आ रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा यह गया चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, काम करेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे, क्या समझा जाए? पारुल, मैं बता दूं आपको कि शमशाबाद से राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो संगठन के लिए काम करेंगे। और शमशाबाद से रात्रि रुद्र प्रताप सिंह, ज्योति शाह और भक्तपाल, ये तीनों दावेदारी कर रहे हैं। अब ये तो संगठन को किसको टिकट देती है, और लेकिन अफवाहों का दौर शमशाबाद में बहुत जोर पर है और रात्रि रुद्र प्रताप सिंह के नाम की भी नाम चल रहा है और ज्योति शाह भी अपना कहीं ना कहीं दावेदारी रख रही है, भक्तपाल सिंह, ये शमशाबाद। यानी अब तक सूर्य प्रकाश मीणा जो शमशाबाद सीट से दौड़ में दिखाई दे रहे थे। जी मैं बता दूं कि शमशाबाद कर रहे थे, लेकिन वो अब इस बार दावेदारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे विदिशा जिले की 5 सीटों पर प्रचार करना है और मैं संगठन के लिए ही काम करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन जानकारी के लिए।